दोस्तों हमारे आज के जो गेस्ट हैं, ही इज एन एनएसडी ट्रेन्ड एक्टर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से है, बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, लेकिन विल यू बिलीव इट, करीब 10 साल से अधिक तक उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी थी. After doing theater, after doing television, he actually quit acting. Not just acting, he quit India and alag-alag countries mein gaye, Germany, some other countries in Europe, Toronto mein rahe, and there he pursued other interests. Lekin phir finally unhe realize hua ki acting is his first love, isliye wo India aaye. Aur India aaye tab se unka jo acting ka career hai, it took off so beautifully. Kuch tare हमेशा चमकते हैं, एंड इज वन ऑफ दोज ताराज, वन ऑफ दोज सितारास. फ्रेंड्स प्लीज वेलकम विपिन शर्मा. यस, होम यू फर्स्ट सॉ इन तारे जमी पर. वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस. थैंक्स कुमार जी, थैंक्स. एक्टिंग इज योर फर्स्ट लव? या आई थिंक आई रियलाइज. 10 साल बाद आपने रियलाइज किया? मैंने बिल्कुल भूल चुका था. दिमाग में कभी कभी मेरे को आता था कि मैं कभी ना कभी फिर एक्टिंग करूंगा, लेकिन किया नहीं था कुछ भी. तो जब यहां आया था मैं एक ट्रिप पे, तो मुझे कुछ दोस्तों ने, जो मेरे करीबी दोस्त थे एनएसडी के, मैंने उनको बोला, मेरे को इरफान से मैंने बात की थी पहली बार, क्या इरफान खान. इरफान खान. तो मैंने बोला इरफान को, यार मेरा एक्टिंग करने का फिर मन करता है. तो उसने बोला कि यार तुमको वापस आना पड़ेगा यहाँ. आई सेड, यार अब मैं इतने सालों से गया हुआ हूँ, हाउ विल आई कम बैक. बट मेरे किसी एक दोस्त ने तो यहां तक भी बोल दिया था कि तुम एक्टिंग भूल चुके हो. तो बहुत गुस्सा आया. बहुत गुस्सा आया मुझे, यार एक्टिंग कैसे भूल सकते हैं, साइकिल चलाना है एक बार सीख ली. Exactly, you can't forget it. बट मेरा ये मानना है कि जब दोस्त लोग कुछ बात बोलते हैं तो उसको सोचना चाहिए. तो आई थॉट अबाउट दिस, आई सेड कि यार मे बी ही हैज अ पॉइंट, आई हैव नॉट एक्टेड, सो हु नोस. तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी खुशकिस्मती रही कि मैंने ये सोचा. मैंने कनाडा वापस जाके ये डिसाइड किया कि मैं कुछ एक्टिंग की वर्कशॉप करता हूं ताकि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा. लेकिन मुझे ये आइडिया ही नहीं था कि जो वर्कशॉप मैं करने वाला हूं वो इतनी बढ़िया वर्कशॉप थी कि उसने मेरी लाइफ बदल दी. मतलब मैं उस वर्कशॉप के बाद पूरा कॉन्टिनेंट छोड़ के मेरा कॉन्टिनेंट शिफ्ट किया मैंने. करेक्ट. आई केम बैक एंड आई रियलाइज आई कैनॉट डू एनीथिंग एल्स नाउ अदर देन एक्टिंग. दिस इज एन अमेजिंग एक्टिंग टीचर इन कैनेडा, जैकलिन मैक्लिंटॉक. She's a very dear. She has cancer right now, and I hope she gets better. मतलब मेरी जिंदगी बदल दी उन्होंने. तो मैं ये उनकी एक्टिंग एक सिखाती हूँ, माइजनर एक्टिंग टेक्निक. वो करने के बाद मुझे लगा कि मेरे जीवन में कुछ है नहीं, मुझे एक्टिंग ही करनी चाहिए. तो कितने महीनों तक आपने उनसे एक्टिंग सीखी? मैं उनका मैंने जब उनको फोन किया था तो मैंने तो ऐसे किया था, देखो मैं एक्टर हूं, आपकी क्लास चलती है तो मैं आऊंगा. तो उन्होंने, मैं कौन सी सेशन, मतलब कौन से ग्रुप में आऊं, उनका होता है कि बिगनर्स, मिडिल एंड एडवांस्ड. तो मैंने कहा मैं तो मतलब एडवांस में ही जाऊंगा. तो मैंने जब उन्होंने फोन किया तो उन्होंने बोला कि बिगनर्स. अरे इतना कुछ कर लिया बिगनर्स में. बट मैं पहली क्लास में गया, जो मैंने देखा वो देख के मैं, मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि एक्टिंग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं आप, लेकिन अगर ना बनाएं तो कितनी सिंपलिसिटी में वो कितनी खूबसूरत है. और फिर इंडिया आने के बाद तारे जमी पर जो आपकी पहली फिल्म थी वो कैसे हुई? मैं आया तो सब दोस्तों को बोला, एनएसडी के इरफान, तिग्मांशु धूलिया, सब लोगों को बोला, किसी ने विश्वास ज्यादा किया नहीं क्योंकि इतने 10 साल बाद कोई अब क्या होगा. तो मैं जब आया था तो अमोल और मैं, अमोल गुप्ते जिन्होंने तारे जमीन पर लिखी है, हाँ. जी हम लोग असिस्टेंट थे केतन के. मैंने केतन को असिस्ट किया था दो फिल्मों में, केतन मेहता को. जी अच्छा. अपना मिर्च मसाला और हीरो हीरा लाल. अच्छा. तो अमोल और मैं तब से एक दूसरे को जानते हैं. ओके. तो जब मैं वापस आया तो अमोल को मैंने बोला कि मैं एक्टिंग करने आया हूँ वापस. तो अमोल ने बोला कि मैं एक फिल्म कर रहा हूँ आमिर के साथ. देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम, ही वाज इन द आमिर्स ऑफिस एंड ही कॉल्ड मी देयर. सो आई वेंट देयर, आई सेड कर रही है तो हाँ लग रहा है कि पिक्चर बन रही है. तो मैं ऐसी बातचीत हुई, एक छोटा सा उसने इंटरव्यू शूट किया मेरा, देन भूल गए, एक दो महीने निकल गए. देन आई केम टू नो दैट ही इज ऑडिशनिंग द लास्ट 10-15 किड्स जो उसने सेलेक्ट किए थे, जो उनमें दर्शील भी था. करेक्ट. तो मैं हेल्प करने गया था बच्चों के ऑडिशन के लिए. तो उसमें मैंने फादर का सीन किया, और दर्शील के साथ ही किया था एक्चुअली. अच्छा. वो स्ट्रॉबेरी वाला. हाँ. वो सीन करने के बाद दीपा जो है अमोल्स वाइफ, शी सेड के विपिन बड़ा खड़ूस, दीपा भाटिया जो दीपा एडिटर है, जो एडिटर है. हाँ. उन्होंने बोला कि विपिन बड़ा खड़ूस फादर लग रहा है. तो ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा. मैंने कहा खड़ूस फादर मतलब इस रोल में कुछ है इसमें. तो मैंने अमोल को बोला, मैंने कहा यार ये रोल करने दो मुझे, मतलब कौन कर रहा है, मैंने पूछा उससे. उसने बोला कि यार ये रोल पता नहीं, अभी कास्ट तो आमिर इज इन्वॉल्व एंड वी विल बी कास्टिंग समवन, आई डोंट नो हु. तू थोड़ा काला लगता है तो आई डोंट थिंक यू सूट द कैरेक्टर. तो मैंने उसको बोला मेरे को ऑडिशन कर सकता हूं मैं. तो ही सेड के हाँ कर ले.
सो आई वेंट टू द ऑफिस नेक्स्ट डे, वी फाउंड अ कॉर्नर, वहां जाके हमने टेप किया, एक बार किया, देन आई हैड नो आइडिया अबाउट द स्क्रिप्ट, आई हैड नो नॉलेज, कुछ मालूम ही नहीं मालूम था मुझे. और एक दिन फोन आया अमोल का कि आमिर ने तेरे को बाप बना दिया. I was like, बाप, I'm not married right now. I'm like, आमिर ने बाप, कुछ समझ में नहीं आया मुझे. I literally didn't understand what he was saying. Then he said that he's cast you. I just couldn't believe it. Because you leave the country for so long, you come back, and here you are standing with. It's an unbelievable feeling. तो कनाडा में जब आप रहे तो कनाडा में क्या करते थे? कनाडा में मैं एडिटिंग करता था. I don't say this to many people because I don't want to. Editing? I'm a professional editor. तो ये तो किसी को नहीं पता है. ये किसी को नहीं पता. बहुत कम लोग जो मेरे करीबी लोग हैं उनको मालूम है. अरे मेरी एक दोस्त है निष्ठा जैन, उनकी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री उन्होंने की थी 6 Yards to Democracy, वो मैंने एडिट की थी, विच वन अ बेस्ट फिल्म इन लंडन अबाउट 4 years ago एक्चुअली. एंड आई डिड एडिट सोना महापात्रा'स वीडियो आजा वे, विच वाज शोन ऑन म्यूजिक channels and things like that. So you are a trained editor or shockia? No, I'm a trained actor actually. Trained editor actually. Oh. I went to Canadian Film Center, which is established by Norman Jewson. But you are always a student. You are always a student. I think I'm still a student because डर लगता है बोलते हुए कि आपको कुछ आता है. ये मतलब it's very 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 difficult to say that I know this. मतलब ये बोलना भी बहुत अजीब सी बात है कि हमेशा लर्न करते रहना चाहिए. बट एक्चुअली इट्स ट्रू. लाइफ टीचेस यू सो मच. एंड आप तो फॉर्मल ट्रेनिंग में भी यकीन रखते हैं. तो तारे जमी पर के बाद आपको ऐसे लगा कि यस, मेरा जो पहला प्यार है वो मुझे मिल गया है और अब मैं इसमें ही फिट होता हूं? बिल्कुल. वो मैं कनाडा में जब मैं एक्टिंग क्लासेस करने लगा था जैकलीन के साथ, तो मैंने रियलाइज किया था कि दिस इज व्हाट आई विल बी डूइंग. एंड I had lost my love for, it's kind of, I found it again. Mm-hmm. You said it very well, that first love, you know, it was that. Mm-hmm. But Tare ke baad thoda sa, I think I went through a very difficult phase because you know, as an actor, you're supposed to do different kinds of roles. Mm-hmm. So what happened after Tare, a lot of the work that came my way was all fathers, angry father, angry uncle, all that kind of stuff. Mm-hmm. And I refused. Mm-hmm. My first film was Ye Sali Zindagi with Sudhir. Mm-hmm. When I came to know that Sudhir has cast me as a gangster, I could not believe it. I was like, how did Sudhir conceive me as a gangster? I was like, this is it. Main bhag gaya. Then of course, Tigmanshu did a huge thing by casting me as a gangster again in Sahib Bibi and Gangster. So ab Sahib Bibi and Gangster part 2 mein bhi aap hain? Nahi, part 1 mein goli bahut galat jagah lag gayi thi. Achha. Yahan lagi thi. Achha. Aur मैंने तिशु को बोला एक दिन कि यार मुझे मालूम होता तो मैं शूटिंग में उठ के खड़ा हो जाता शॉट में कि मैं नहीं मरूंगा. अगर आपको मालूम होता कि सीक्वल बनने वाला अगर है. मुझे पता होता कि सीक्वल बन रहा है तो मैं नहीं करने वाला था. शॉट में खड़ा हो जाता कि नहीं मरूंगा. तो रोल सिलेक्ट करते टाइम आप क्या देखते हैं कोमल जी? मेरे को कभी कभी, मैंने कुछ बहुत छोटे रोल्स भी किए हैं, तो अक्सर मुझे लोग बोलते हैं कि छोटा रोल तुम नहीं किया करो. पर मेरे साथ क्या है, मुझे छोटे रोल में भी ना एक हल्का सा मोमेंट अगर मुझे लगे, वेरी ट्रू, कि ये मोमेंट लोगों को याद रहेगा बहुत लंबे समय तक, मैं करने के लिए तैयार हो जाता हूँ एक्चुअली. तो ये एहसास कब, कैसे होता है आपको? जस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल. मेरे को अगर कोई नैरेट कर रहा है, अगर जैसे अभी अनंत महादेवन की नई फिल्म है विनय पाठक के साथ, उसमें मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, उसका एक सीन है सिर्फ, छोटा सा कैरेक्टर है, 5-8-10 सीन है, बट देर इज वन सीन दैट ही डज समथिंग. मैं जब when I heard the narration, I said I'll do this. क्योंकि वो जो मोमेंट इतना खूबसूरत है, मैंने कहा इसको क्रिएट करने का अगर मौका मिल रहा है तो इससे अच्छी खुशकिस्मती और क्या हो सकती. एंड आई थिंक दैट्स वेयर देन इट, छोटे छोटे रूल, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे नुएंसेस फिल्म में बहुत फर्क पड़ता है. दे ऑल एड अप इवेंचुअली. और अब भी ये थोड़ी हटके जो फिल्में हैं वो आपके हिस्से आती है कि एब्सोल्यूटली कमर्शियल सिनेमा भी, उसका भी हिस्सा बन रहे हैं आप? यू नो देयर इज अ फाइन लाइन, लेकिन एक है there कुछ यू नो नॉट हार्डकोर कमर्शियल. देयर इज, दे मे बिकम कमर्शियल व्हेन रिलीज्ड, बट या एक चीज और है कोमल जी, मुझे क्या लगता है कि काफी लोगों को लगता है कि हम एनएसडी के जो एक्टर्स हैं, मैं हूं, इरफान है, नसीर भाई हैं और जितने लोग हैं, हम लोग सीरियस सिनेमा को, ये ऐसा क्यों लगता है? एक स्टैंप, एक टैग है. मेहनत सब लोग करते हैं. मेरा सिर्फ इतना मानना है कि मुझे कोई मेन स्ट्रीम सिनेमा से कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिल्म वो होनी चाहिए जिसको देखने के बाद आदमी घर आके कुछ सोचे, बस. अच्छा, मतलब सोचने पर मजबूर करनी चाहिए. इट शुड स्टार समथिंग इन, लाइक कुछ महसूस होना चाहिए. क्योंकि सिनेमा आफ्टर ऑल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. बट सिनेमा इज ऑल्सो जस्ट प्योर एंटरटेनमेंट. इट इज ऑल्सो प्योर, I believe in that also, but I think it is much better if with the entertainment there is something else
गिवन टू पीपल टू थिंक अबाउट. तो फिर ये जो माइंडलेस कॉमेडीज होती है उसका हिस्सा आप कभी नहीं बनेंगे, ऐसा है? मैं शायद कर नहीं पाऊंगा, शायद मेरा मेरा मैं शायद नहीं कर, मैं हो सकता हूं वहां पे मुझे लोग बोलेंगे बहुत खराब एक्टर, निकालो इनको. तो आपकी जैकलीन ने वो नहीं सिखाया आपको या एनएसडी की ट्रेनिंग ने? वो है, वो मैं कर सकता हूं, जो मैंने किया भी है एक्चुअली. अभी एक फिल्म आएगी आप देखिएगा, उसमें मैंने एक ऐसा ही रोल किया है. उसमें मैंने एक किरदार प्ले किया, एक हरियाणवी गैंगस्टर बाप अपने पप्पू को लॉन्च करना चाहता है. इट्स अ न्यू फिल्म, न्यू फिल्म मेकर एंड आमिर बशीर मी सतीश जी. शूटिंग चल रही है? शूटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी, एक्चुअली शूटिंग खत्म हो चुकी है, डबिंग शुरू हो जाएगी अभी. तो वो ओवर द टॉप रोल भी मैं करने के लिए मैं कर सकता हूं, क्योंकि रोल कोई भी हो आपको जरूरत है कन्विक्शन की, कन्विक्शन की. एग्जैक्टली, ओवर द टॉप में भी कन्विक्शन चाहिए और जो सटल है उसमें भी कन्विक्शन चाहिए. करेक्ट, इट्स ऑल अबाउट कन्विक्शन, हाउ यू पोर्ट्रे दैट कैरेक्टर. एब्सोल्युटली. तो मैं कर सकता हूं एक्चुअली, मैं माइंडलेस कॉमेडी भी कर सकता हूं. करेक्ट, प्रॉब्लम नहीं होगा. मगर यू वुड प्रेफर? आई वुड प्रेफर इफ सी वी शुड गिव समथिंग बैक टू आवर सोसाइटी दैट वी लिव इन. I strongly believe in that. Okay. Especially in a country like ours, where there are so many issues, there are so many things that need to be addressed. Because cinema is so powerful, it can do that. So I believe most of the time and most of the efforts of all of us should also be spent on that. I'm not saying everybody should just go and, you know, bhul jate hain. Entertainment, bilkul, I totally agree with that. It's an industry. It's a business for a lot of people. Correct, exactly. And I'm not saying that take away the business from. No, that's fine actually. But एक अगर ये additional point आ जाए तो nothing like it. Yes, yes. और कभी कभी ऐसे भी होता है कि पैसों के कारण आपको कोई फिल्म या कोई रोल छोड़ना पड़े कि नहीं यार इतने कम में तो मैं नहीं कर सकता. मुझे अगर रोल अच्छा लगा तो मैं कुछ भी करने के लिए. नहीं, मगर कभी ऐसा हुआ कि रोल खास नहीं लगा और पैसों की वजह से बात रुक गई हो? नहीं, अब तक तो नहीं हुआ ऐसा. मैं होने नहीं दूंगा शायद, क्योंकि रोल अल्टीमेटली इज द रोल दैट पीपल आर गोना सी. दे विल नॉट कम एंड सी हाउ मच मनी वेंट इनटू योर बैंक. नोबडी वुड एवर नो. बताते भी नहीं है ना, बता मतलब कोई भी नहीं बताना चाहता. पूछना भी इज ऑल्सो कंसिडर्ड रूड के कितने पैसे मिले आपको. करेक्ट. और अब महीने के 30 दिन में आप कितने दिन बिजी रहते हैं, कितने दिन शूटिंग करते हैं? मैं अभी इन दिनों काफी बिजी चल रहा हूँ. जब से ये पिछली 3-4 फिल्में आई हैं, पान सिंह तोमर, साहबी वी और गैंगस्टर, ये साली जिंदगी, नाउ गैंग्स ऑफ वसीपुर, आई एम एक्चुअली गेटिंग बिजियर. एज आई सेड, मैंने काम, कोमल जी, मैंने काम मना बहुत किया, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि मैं वो टिपिकल रोल करूं और एक इस्टेब्लिश हो जाऊं कि मैं इस तरह के रोल कर सकता हूं. तो उसका मुझे पॉजिटिव रिजल्ट अब मिलना शुरू हुआ है. नाउ आई एम गेटिंग वेरी बिजी. आई हैव लॉट ऑफ फिल्म्स, लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स आर देयर टू बी रेड. सो नाउ थिंग्स आर चेंजिंग फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज आई वेटेड पेशेंटली फॉर गुड वर्क एंड गुड रोल्स टू कम. मगर कुछ लोग ये बोलते हैं कि कुछ भी हाथ आए छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज टाइम, समय किसी के लिए नहीं रुकता है. आपके साथ उल्टा ही हुआ, आप बोलते हैं कि बिकॉज यू वेटेड नाउ गुड वर्क इज कमिंग. एब्सोल्युटली. बट यू डिड नॉट गेट इनसिक्योर? आई डिड. इट्स नॉट एन इजी सिटी टू लिव, बिकॉज यू नीड मनी, यू नीड वर्क, यू नीड कॉन्स्टेंटली, यू शुड बी सीन. बट मुझे ये उम्मीद थी कि मैं अगर पेशेंटली वेट करूंगा तो इट विल हैपन. But it's you do get depressed, you do go through phases that. और फिर support system क्या होता है आपका ऐसे में? ऐसे में yoga. We see lots of films, you know, keep meeting people, keep. मैं messages बहुत भेजता हूँ. कुछ लोग तो बहुत परेशान हो चुके होंगे मुझसे अब तक. It's not, फिल्में बनती बिगड़ती रहती हैं. रिश्ते नहीं बिगड़ने चाहिए, रिश्ते रहने चाहिए. वेरी ट्रू. आप मुझे, मैंने अपने सारे दोस्तों को बोला हुआ है, इवन इफ यू डोंट कास्ट मी, नेवर वरी अबाउट दैट. मेरा रिश्ता तुमसे इसलिए नहीं है कि तुम मुझे रोल दोगे, मेरा रिश्ता इसलिए कि हम एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे को हैं. हम लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं. वो रिश्ता बनाना मुझे लगता है कि मेरे लिए अब तक वो काफी इंपॉर्टेंट रहा है. अनुराग फेल्ट वेरी गिल्टी व्हेन आई मेट हिम फॉर गैंग्स ऑफ वसीपुर, बिकॉज देयर वाज नो रोल फॉर मी एंड आई फेल्ट सो सैड. तो मैंने अनुराग को बोला, मैंने कहा अनुराग, आई हैव कम ऑल द वे, आई वांट टू वर्क विद यू, आई बीन वेटिंग टू वर्क विद यू. तो एक छोटा सा ये जो मैंने रोल किया, ये बहुत छोटा रोल था. बट यू स्टूड आउट, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट एंड आई एम वेरी हंबल टू हियर दैट एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई. और सेकंड हाफ में, सेकंड पार्ट में भी ऑफकोर्स आप होंगे. सेकंड पार्ट में मैं ज्यादा नहीं है. हम लोगों का ट्रैक लगभग, तिग्मांशु और मेरा, हम लोगों का ट्रैक लगभग खत्म सा है. मतलब थोड़ा सा आगे जाएगा और आई डोंट वांट टू स्पॉइल द. अभी तो रिलीज होने को है, मेरे ख्याल से अगस्त में रिलीज होगा. अगस्त में डेट तो आया. और अब मेरे ख्याल से 4-5 सालों से आप बॉलीवुड में काम कर रहे हैं जी. बहुत बड़ी विश लिस्ट होगी कि इसके साथ काम करना है, इसके साथ करना है, इस एक्टर के साथ, इस डायरेक्टर के साथ, और यू डोंट रियली हैव अ विश लिस्ट?
No, I do admire a lot of people that I would love to work with. Misal ke taur par? Misal ke taur par, Anurag Basu, Rajkumar Gupta, kitne log honge? Bahut log honge. If I start and thinking actors also? Of course, actors also. Mm-hmm. Of course. Absolutely. There are a lot of people that I admire and would love to work with them. Absolutely. Vipin ji, thank you so much for being with us. And let's just hope that aapki sari jo manokamna hai, wo puri ho jaye. All that you wish for comes true. Because life has given you a second chance as far as acting is concerned. Yes, 10 saal baad koi aaye. Bahut rare hota hai ki itna zyada chamke. But aapki pehli picture ka hi naam tha, Tare Zameen Par, to chamakna to tha hi aapko. Thanks, and here's also, let's request all our people to say a small prayer for your teacher Canada, Jacqueline. May she really be cured. That'll be fantastic. It would be nice. Yes. Thank you so much. Thanks. तो दोस्तों, ये थे विपिन शर्मा, बेहतरीन एक्टर, बहुत ही बढ़िया एक्टर. आपने इनको कई फिल्मों में देखा होगा एंड आने वाले समय में बहुत सारी फिल्मों में देखेंगे. बट एज ही सेड, हिज फिलॉसफी इज कि अगर फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ मैसेज दे तो बहुत ही अच्छा है. बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गिव टू सोसाइटी विच इज गिवन हिम सो मच. ही वॉन्ट्स टू गिव समथिंग एटलीस्ट. कहते हैं कि इस कंट्री में खासकर ऐसा होना चाहिए दैट वी मस्ट ऑल थिंक ऑफ गिविंग समथिंग बैक टू द वर्ल्ड विच हैज गिवन अस सो मच. और इनको तो वाकई में दुनिया ने बहुत बहुत कुछ दिया है. टच वुड, इट हैज गिवन हिम अ सेकेंड चांस. 10 साल बाद एक्टिंग छोड़कर ये वापस आते हैं एंड Bollywood embraces him with open arms. That's a big thing. That also speaks volumes for his talent.